तालिबान ने बहुत तेज़ी से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। अफ़गानिस्तान के बड़े और मशहूर शहर मज़ार शरीफ, कंदहार, हेरात पर कब्ज़ा जमाने के साथ साथ राजधानी काबुल को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। 2001 में सत्ता से बेदखल हुआ तालिबान वापस लौट आया था। लौटा भी ऐसा कि पूरी दुनिया को चौंका कर उसने रख दिया। सोशल मीडिया पर भी तालिबान के वीडियोज़ की बाढ़ आ गई, जिनमें तालिबान का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। तालिबान का तांडव देख अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के हाथ पांव फूलने लगे। काबुल पर कब्जा होने का मतलब था अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से किसी भी तरह बाहर निकल जाना। तालिबान के हत्थे चढ़ने से पहले अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी देश संभालने लगे, निभाने लगे, और इस बीच शुरू हुआ आलोचनाओं का दौर। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के कदम की दुनिया भर में तीखी आलोचना की जाने लगी। काबुल के पतन का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया जाने लगा। अमेरिका पर धोखेबाज देश होने के आरोप लग गए, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। इतिहास गवाह है साइगॉन के पतन का, वही साइगॉन जहां से अमेरिका काबुल की तरफ अचानक भागा था। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, आधे दशक पहले अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को भी अमेरिका का समर्थन था। उसकी राजधानी को उन दिनों साइगॉन कहा जाता था, साइगॉन जिसे अब हो ची मिन शहर के नाम से आप जानते हैं। अमेरिका 19 सालों तक वियतनाम में बना रहा, मगर जैसे ही अमेरिका ने वहां से अपने कदम पीछे खींचे और सैनिकों को वापस बुलाया, उसके सिर्फ 2 सालों के अंदर ही साइगॉन उत्तरी वियतनाम के कंट्रोल में चला गया, और उन दिनों उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन था। साइगॉन पर 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम का कब्जा हो गया और इस तरह वियतनाम युद्ध खत्म हुआ था। कुछ ही महीनों में कम्युनिस्ट्स ने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसा 2021 में अफगानिस्तान के साथ हुआ। अमेरिका के जाते जाते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो आखिर क्या था साइगॉन का पतन? दरअसल वियतनाम युद्ध उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार और दक्षिणी वियतनाम और उसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के बीच एक संघर्ष था। ये युद्ध बहुत लंबा चला था, लगभग 20 सालों तक। ये युद्ध एक शीत युद्ध के दौरान हुआ था, जो उत्तरी वियतनाम को सोवियत यूनियन और दूसरे कम्युनिस्ट सहयोगियों का इसमें समर्थन मिला था, जबकि दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल था। अमेरिका ने 1973 में दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेना को वापस बुला लेने का कदम उठाया और 2 साल बाद यानी कि 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम के सुरक्षा बलों ने साइगॉन पर कब्जा कर लिया। वहां से भी अमेरिका यही कहते हुए निकला था, ये युद्ध अमेरिका की जेब और उसकी कूटनीति दोनों पर भारी पड़ रहा है, जैसा कि अफगानिस्तान से सेना हटाते हुए अमेरिका सरकार ने कहा। दोनों घटनाएं यानी कि वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में काफी समानताएं हमें दिखी, जिसके चलते अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आलोचना होना भी जरूरी था। यह वीडियो हमने आपको दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। दुनिया भर की हर खबर के लिए आप दुनिया तक को देखते रहिए और अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।